भाई मैं ये पूछना चाहता था, पिछला जो मैच हुआ काफी नेल बाइटिंग मैच हुआ, टीम ने इसके बाद मीटिंग क्योंकि कुछ वीकनेसेस रही आपको लगता है जिनपे वर्क किया जा सकता है, उनपे क्या बात हुई? नहीं इतना कुछ खास नहीं हुआ क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच हमेशा ही इतना हाई प्रेशर गेम होता ही है, सब लोग का एक्सपेक्टेशन ना हाई रहता है, तो मेरे ख्याल से थोड़ी थोड़ी जो चीज़ है वो एक मैच के बाद इतना डिस्कस करने जैसी नहीं थी, वो होता ही रहता है T20 फॉर्मेट में, तो मेरे ख्याल से ऑल इन ऑल सबने कंट्रीब्यूट किया, सबने बैटिंग में बॉलिंग में कैचेस अच्छे पकड़े, तो मेरे ख्याल से सब ठीक था, बस वही कि थोड़ा थोड़ा वो चेंजेस होता रहता है, तो इतना कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ों में। नहीं ऐसा नहीं रहा, स्पिनर्स ने भी अच्छी डाली, बट कभी कभी होता है कि आप अच्छी बॉलिंग डालते हो विकेट नहीं मिलती, और कभी कभी फास्ट बॉलर इतना अच्छे बॉल नहीं डालते बट विकेट मिलती है, तो T20 फॉर्मेट वैसा ही है, फास्ट बॉलर को फुल टॉस में विकेट मिल जाती है, स्पिनर्स को छोटे बॉल पे मिडल नहीं होता विकेट मिल जाए, ऐसे ऐसे होता रहता है, तो एज ए बॉलिंग यूनिट सबने अच्छा बॉल डाला, और जब जब हमें विकेट चाहिए था तभी फास्ट बॉलरों ने विकेट दिया, हार्दिक ने ब्रेक थ्रूज दिए, बोवी ने लास्ट में एक ओवर में 2 आउट किए, तो मेरे ख्याल से सभी ने कलेक्टिवली अच्छा परफॉर्मेंस किया, जैसे स्पिनर्स को विकेट नहीं मिला था बट उनका काम था जगह पे एरियाज पे रन लिक नहीं करने, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 15-20 रन अगर आप ज्यादा दे देते हो तो वो भी आपको भारी पड़ सकता है। जटू एक ऑलराउंडर बतौर एक ऑलराउंडर थोड़ा प्रेशर बढ़ जाता है ऐसे टूर्नामेंट में, और आगे जब वर्ल्ड कप है क्योंकि बॉलिंग से भी करना है और जब ऐसे क्रूशियल मोमेंट आते हैं तो बैटिंग से भी करना है, तो बतौर एक ऑलराउंडर आप हार्दिक के प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है इंडिविजुअली? प्रेशर तो हमेशा रहता ही है, आप इंडिया के लिए खेलो तो प्रेशर तो रहना ही है जब तक आप खेलोगे तब तक, बट हाँ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेलना होता है बैटिंग बॉलिंग, क्योंकि कभी कभी बैटिंग ऐसी सिचुएशन में आती है जहाँ टीम फंसी होती है वहाँ से आपको मैच जिताना होता है, कभी बॉलिंग भी वैसी सिचुएशन में आती है, तो मेरे ख्याल से वो भी एक अच्छा लगता है कि अंडर प्रेशर आप ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा करते हो, और आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि एज ए प्लेयर आप कॉन्फिडेंट मिलता है कि आपने अंडर प्रेशर में परफॉर्म किया है तो आने वाले मैचों में आप और ज़्यादा अच्छा करते हो। जिटू भाई ये जानना चाहता था आपसे, अगर ऋषभ पंत बैटिंग ऑर्डर में नहीं होते हैं तो क्या आपको इसी तरीके से प्रमोशन मिलेगा बैटिंग ऑर्डर में, या उस दिन क्योंकि नवाज अच्छी गेंदबाजी कर रहा था राइट हैंडर्स के अगेंस्ट, उसका अच्छा रिकॉर्ड भी रहा है इंडियन, तो आप इस पर क्या? हाँ बिल्कुल, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर लेग स्पिनर बॉलिंग डालते हैं तो लेफ्टी को भेजना ज़्यादा ईजी हो जाता है, वो चांस ले सकता है, तो टॉप 7 में मैं ही था लास्ट गेम में, तो मुझे कहीं ना कहीं पता था कि ऐसी सिचुएशन आएगी, क्योंकि उनकी प्लेइंग 11 देख के पता चला कि उनका लेफ्ट आर्म स्पिनर और लेग स्पिनर है, तो मुझे कभी ना कभी जाना होगा, तो मैं उस हिसाब से मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था, और लकीली वही टाइम पे मैं गया और टीम के लिए मैंने जो भी रन्स किए वो बहुत ही क्रूशियल थे। आगे के मैचेस में भी क्या ही कैरी फॉरवर्ड वो तो नहीं बता सकते, क्योंकि हर एक टीम के ओपोनेंट्स में अलग बॉलर्स होते हैं, अलग बॉलिंग उनका होता है, तो उस हिसाब से प्लान करते हैं। The new rule of having five fielders in the circle in the death overs, if there's slow, if there's a slow over rate, what did you think about it? Is, you know, did it make any difference? Like, yeah, I think we need to move between the overs quickly because otherwise we have to bowl with five fielders inside. So sometimes it might cause the game. So we need to work on the, you know, moving like between the overs. We need to move quickly. आपके बैटिंग के बारे में, मतलब अभी आप टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हो इन टेस्ट मैचेस, यू आर प्राइमरीली अ स्पिनर देन यू आर अ बैट्समैन इन व्हाइट बॉल क्रिकेट, ये क्या रिवर्स होता है, और हाउ डू यू गो इन व्हेन यू नो दैट टॉप थ्री थोड़ा सा रस्टी है, वो लोग ज़्यादा नहीं खेले हुए, विराट के भी रन नहीं आ रहे, तो आपके ऊपर हाउ डू यू सी एज अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन? कुछ नहीं, मैं मतलब ज़्यादा इतना ये सब प्लान नहीं करता हूँ जितना आप इतना डिटेल में बता रहे हैं, बट मैं बस जब भी जाता हूँ तो अपना अच्छा करने को देखता हूँ, सिचुएशन से खेलता हूँ, और T20 में कभी कभार ऐसा होता है कि आपको सोचना नहीं है, जो भी सिचुएशन बनी हुई है जाके सीधा ही खेलना है, तो बस ज़्यादा इतना मैं
सोचता नहीं हूँ कि टेस्ट में बॉलिंग डालता हूँ और फिर बाद में बैटिंग करता हूँ और इधर वाइट में बैटिंग करता हूँ फिर बॉलिंग करता हूँ, इतना ऐसा कुछ नहीं है मेरे मन में। मैं सोचता हूँ कि बैटिंग में मुझे रन करने और जब भी टीम को जरूरत है तो विकेट में ब्रेक थ्रू देने। बस जड्डू भाई, एक तो आप अपनी सफलता का राज बताइए। आईपीएल खत्म होता है, अलग अलग खबरें आती हैं कि जड्डू वर्ल्ड कप भी नहीं खेलेंगे, एक साल के लिए इंजर्ड हो गए हैं, उसके बाद आप आते हैं इंडिया पाकिस्तान का इतना बड़ा मैच, इंडिया को जीत दिला के चले जाते, तो ये सब प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं? जो खबरें आती रहती हैं, क्या डिस्ट्रैक्ट होते हैं थोड़ा बहुत या नहीं? आपने तो बहुत छोटी बात की कि मैं नहीं हूँ वर्ल्ड कप, बीच में तो खबर आई थी मैं मर गया हूँ। ये कब वही तो इससे बड़ी खबर तो हो ही नहीं सकती, तो मैं इतना ज्यादा नहीं सोचता हूँ। मैं वही जैसे मैंने बताया कि मैं अपना सीधा हिसाब है, ग्राउंड पे जाना है और खेलना है और अच्छा परफॉर्म करना है। सफलता का राज आप क्या मानते हैं? सफलता का बस यही कि नेट्स में प्रैक्टिस करते हैं, कोई भी जो चीज़ होती है उस पर इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं और वही मैच में कामयाबी दिलाती है, तो वही है बस, डे इन डे आउट सेम वही प्रैक्टिस करते हैं, बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग। रविंद्र विमल कुमार दिस साइड, एक सवाल ये, आप अगर बॉलर हैं इंडिया के और जब आप बॉलिंग करते हैं इंडियन बैटिंग लाइनअप को जिसमें रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक एज ए फिनिशर हो, उस समय रविंद्र जडेजा बॉलर की स्ट्रेटेजी क्या होगी, क्या उनको डर लगेगा ये बैटिंग लाइनअप देखकर? बिल्कुल है, क्योंकि कोई भी टीम के पास इतने ऑप्शंस होते हैं तो वो खुल के ही खेलेंगे, तो ऑब्वियसली प्रेशर तो रहेगा ही। और जैसे हमारा बैटिंग लाइनअप है, हमारे पास सभी ऐसे बैट्समैन है जो सभी गेम खेल सकते हैं, तो मेरे ख्याल से अगर ऐसा कोई भी टीम के पास बैटिंग लाइनअप है तो जरूर वो प्रेशर तो रहता ही। तो जड्डू बॉलर क्या करेंगे वो नहीं बताया आपने? जड्डू बॉलर तो एक साथ में कैसे खेल डाल सकता है? नहीं बिल्कुल ही, अगर सामने वाली टीम में ऐसा अगर कोई है तो वो T20 स्पेशली कहाँ कौन से एरियाज पे बैट्समैन खेलता है, कौन सा उसका स्ट्रॉन्ग जोन है और कौन से एंड से डाल रहा हूँ, चाहे आउटफील्ड बड़ा है, तो वो सब चीज दिमाग में रख के बॉल डालने की कोशिश करूँगा। इंडिया पाकिस्तान का तो लग रहा था कि इंडिया मैच हार भी सकता है, तो नसीम शाह अगर भी क्रैम्प्स ना आते तो आप समझते हैं कि इंडिया मैच हार सकता था? और दूसरा, नसीम शाह की बॉलिंग के बारे में बताइए कैसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि क्रैम्प्स नहीं आते तो हम हार जाते, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि T20 में लास्ट में तो कोई भी बॉलर प्रेशर में रहता ही है, तो चाहे कितना भी बड़ा बॉलर हो या कोई भी एक्सपीरियंस बॉलर हो, तो लास्ट के 2-3 ओवर में कोई भी बॉलर प्रेशर में रहता ही है, तो मेरे ख्याल से बस वही इंटेंट था कि जितने भी रन आए वो 18-19 तक ज़्यादा रन कोशिश करेंगे, ताकि अगर लास्ट ओवर में जितने कम रन बच जाए उतना अच्छा है, और लकीली हमने जो ट्राई किया वही डिलीवर हुआ। और नसीम साहब मतलब अच्छे यंग तेज बॉलर है, अच्छे, उनको पता है कि उनको कौन से एरियाज में बॉल डालनी है और कौन से बैट्समैन के अगेंस्ट क्या लाइन लेंथ डालनी है, तो मेरे ख्याल से उनके तीनों फास्ट बॉलर अच्छे थे, जो तीनों अच्छे एरियाज में बॉल डाल रहे, तो इतना इजी नहीं था। आप ऐसे एरिया से आते हो जहाँ धूप होती है, इतनी तो नहीं होती लेकिन धूप होती है, उसका थोड़ा सा फर्क पड़ता है आपको? क्योंकि जो पाकिस्तान का मैच देखा, बहुत प्लेयरों को उनके बहुत तकलीफ हुई, तो उसके ऊपर ध्यान देके वो भी संभालना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, कभी कभी ऐसे सिचुएशन में अगर आपका बॉडी साथ नहीं देता है तो वो परफॉर्मेंस और पर्टिकुलर जो वो टाइम पे भी वो फर्क पड़ता है। बट हाँ, वेदर सबके लिए सेम है, ऐसा नहीं है कि कोई एक टीम के लिए अच्छा है और दूसरे टीम के अच्छा नहीं है, तो ये तो आपकी पर्सनल इंडिविजुअल प्रिपरेशन के ऊपर मायने रखता है कि आप कितना
इतना वेदर गर्म है तो आप कितना पानी पीते हो, कितना फ्लूइड इंटेक करते हो, तो वो सब चीज के ऊपर है, वो आपका पर्सनल आपका लुक आफ्टर है। तो मेरे ख्याल से एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर सब लोग ध्यान रखते ही होंगे, बट कभी कभी प्रेशर सिचुएशन में आपका बॉडी नर्वस रहता है तो उसकी वजह से भी क्रैम्प आने के चांसेस हो सकते हैं। जड्डू, ऋषभ पंत पहले मैच में नहीं खेले थे तो टीम कॉम्बिनेशन को लेके फैसला था या कोई इंजरी कंसर्न है? ये बिल्कुल ही मुझे नहीं पता है, ये मेरी बुक के बाहर वाला क्वेश्चन है। थैंक यू।